क्राइसिस पर और पाकिस्तान के अलावा जो यूक्रेन और रशिया के मसले पे मैं और कामरान बुखारी साहब कई हफ्तों से बातचीत कर रहे हैं और ये मसाइल हल होने को नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस एक बहुत ही इंतहाओं को छू रहा है। ज़्यादातर बातचीत हम इस हवाले से करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाशिंगटन से कामरान बुखारी साहब। जी देखें, ये तो तवक्को नहीं थी कि एक नई जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस किस्म का कोई मैवरिक मूव पुल करेगी। मतलब क्योंकि इस किस्म का मैवरिक मूव पुल करना, अगर ये सिर्फ एक जमात कर रही है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जमात तो मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पे ताकत में आई है, हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पे इमरान खान साहब आए हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं और आप जो है शो से पहले ऑफ एयर यही बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है, जो उनका स्टाइल है जारहाना किस्म का, तो उनसे तो तवक्को की जा सकती है कि वो इस तरह की बातें करेंगे। मतलब कि ये है कि वो, उनको आप ये कह दें कि वो डबल डाउन करेंगे, जैसे सदर ट्रंप ने किया अमरीका के अंदर। वो डबल डाउन के अलावा फाइटर भी हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी कि मैं मतलब जीतने में बिलीव करता हूँ, हारने में बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। तो उनकी तबीयत कुछ इस किस्म की है, तो ये तो चीज़ समझ में आती है। उन लोगों का जो बिहेवियर है कि वो अभी तक साथ दे रहे हैं, तो वो बड़ा हैरत अंगेज किस्म का उनका बिहेवियर है। एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब के साथ नहीं है, ठीक है, जो बज़ाहिर लगता है नहीं है। जितने वाकयात हुए हैं, यहाँ तक जो हालात पहुँचे हैं, यहाँ तक जो सिचुएशन आई है, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो नंबर भी आए हैं, जो डिफेक्शंस हुई हैं, जो एलाइड पार्टीज ने भी अपना रुख बदल दिया है, इमरान खान साहब को पता था कि वो उनकी हुकूमत जाने वाली है। तो ये तो बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मतलब अगर हम उनका नाम भी ले सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, वजीर खारजा जो हैं, जो फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद साहब भी हैं, गो के शेख रशीद साहब जो है वो इतने फ्रंट फुट पे नज़र नहीं आ रहे, वो थोड़े से जो है वो आई थिंक कन्फ्यूज वो भी नज़र आ रहे हैं, जितनी हद तक मैं फॉलो करता हूँ। और सबसे बड़े जो प्लेयर हैं इनमें वो हैं चौधरी परवेज इलाही, जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे और अभी भी हैं, और वजारत आला के पंजाब के अंदर ख्वाह भी हैं। तो इनका बिहेवियर जो है, ये वेटरन्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सीज होने की हैसियत से, ये खुद से इनकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब छोटी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ये जमात बनाई ही एस्टेब्लिशमेंट ने थी, नून लीग को तोड़ गए। जब नून लीग बहाल हुई तो ये श्रिंक होके छोटी सी रह गई। इसके साथ साथ शेख रशीद वन मैन शो हैं, इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी वन मैन शो हैं, फवाद चौधरी वन मैन शो हैं, तो और बाबर अवान साहब जो है वो भी इधर से उधर होते रहते हैं, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में थे, अब इधर आ गए। तो ये जो सारा सिलसिला है, ये जो लोगों का बिहेवियर है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक इनको ये होता कि एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब को छोड़ चुकी है, तो ये नज़रियाती लोग नहीं हैं, ये लोग ये छोड़ जाते हैं। जो इनसाइट मिली है वो यही है कि ये एक वज़ीर आज़म है, उसकी काबीना नहीं है, ये काबीना के बगैर एक वज़ीर आज़म है, और वो भी 15 दिनों के लिए है। इस किस्म की हरकत करना इनके लिए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। ये बिहेवियर ऐसा नहीं है। कहने का मकसद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको कहीं से कोई सपोर्ट आ रही है एस्टेब्लिशमेंट के किसी कोने से, या इनको सिग्नल्स और मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं कि भाई आप डटे रहें, जीत आप ही की होगी, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वरना ये लोग जो है सबसे पहले छोड़ने वालों में से हैं। द फैक्ट कि ये अभी तक जो है ये इस तरीके से चले आ रहे हैं, ये मैं फिर से कहूंगा, ये पीटीआई के नजरियाती लोग नहीं है। इमरान खान का डटे रहना वो समझ में आता है, ठीक है, इनका डटे रहना जो है वो जरा एक बहुत ही अनयूजुअल बात है, टू से द लीस्ट। तो ये कभी भी डटे नहीं रहते। जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा किसी और तरफ भारी होता है, नॉर्मली ये उस तरफ चले जाते हैं। तो क्या हम इससे ये मुराद लें
कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अब वो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही, फैक्शंस तो हमने माजी में भी देखे हैं एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ, लेकिन क्या इस वक्त कमर जावेद बाजवा की सरबराही में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अब उस तरह की एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही, वो कोई बहुत ही शरीफाना अंदाज की या खामोश तबाह हो चुकी है जिसका फ़ायदा जो लाउड ग्रुप है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो लेना चाहता है, और वो फ़ायदा क्या है? ये दो सवाल आते हैं और ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं खुद रियल टाइम में, ठीक है, ये हम बल्कि ऑन एयर कह लें, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ अनयूजुअल, एक्सट्रीमली अनयूजुअल बिहेवियर सामने आ रहा है। रूटीन का मामला है कि कौन सा कोर कमांडर जो है वो कौन सा जर्नैल 3 स्टार वो 4 स्टार ले जाएगा, और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा, क्योंकि ये सबसे कोवेटेड पोजीशन होती है, और जो मतलब अमूमी तौर पे जो मतलब एंड पे 3 लोग होते हैं, जब क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट है ये वजीर आजम को या जो मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव होता है पुराने, मतलब जब पार्लियामानी निज़ाम मुअत्तल होता है तो उसमें सदर जो है वो चीफ एग्जेक्टिव का किरदार अदा कर रहा होता है, तो वो सदर डिसाइड करता है। कई दफ़ा सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो एक ही शख्स हमने देखा है, लेकिन जब कभी भी जो हुकूमतें आई हैं, वीक पार्लियामानी हुकूमतें आई हैं, वीक वजीर आजम आए हैं, तो हमने देखा कि उन लोगों ने जो है वो जो बेसिकली एक कोलैबोरेशन के साथ कह लें, या जो उनको बेसिकली आर्मी की तरफ से इशारा आया कि भाई ये 3 हैं तो इन 3 में से आपको चुन लें, तो जो इनको चुना जाता है उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो जर्नैल होता है, जो कि जिसको कहते हैं रनर अप, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, उसको दूसरी पोजीशन मिल जाती है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, गो के इन थियरी वो सीनियर मोस्ट पोजीशन है, क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सिर्फ आर्मी का चीफ नहीं होता, वो उस कमेटी का कि जिसमें एयर फोर्स के सरबराह और नेवी के सरबराह और आर्मी के सरबराह होते हैं, उस कमेटी का चेयर होता है, कानूनी तौर पे भी, प्रोसीजरली भी, और जो बाजगश्त हमें सुनने में आती है मतलब ओपन सोर्सेज में, वो यही है कि वो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा थी करीब माजी में कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई। पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल परवेज़ कयानी को ये एक्सटेंशन दी गई थी, तो जब ये अमूमी तौर पे एक्सटेंशन इस तरह की जबकि मार्शल लाना हो, प्रोसीड हो जाते हैं या प्रमोट हो जाते हैं या अपने एपेक्स को पहुँच के फिर वो घर चले जाते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लोग, बहुत जर्नैल आए, और एक वक्त में ये था कि जब जो टॉप ब्रास थी मुशर्रफ के अंडर, उसमें ऐसे जर्नैल थे जो उनसे 10-10, 12-12 साल जूनियर थे, तो ये चीज़ कहने का मकसद ये है कि ये मायूब समझी जाती है। तो अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर सवाल उठता है कि एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत है, क्या जो बाकी जर्नैल हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो मतलब इस पोजीशन में आकर तो उसी तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दें जैसे कि उनके जो प्रेडिसेसर ने किया। तो हो सकता है कि लोग जो इनके इर्द गिर्द के जो टॉप जनरल्स हैं वो मतलब इससे अनकंफर्टेबल हों कि ये दोबारा से इनको एक्सटेंशन मिल रही है। फिर ये कि ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत मतलब फेल हुआ है, जिसको हम इमरान खान की हुकूमत हाइब्रिड रेजिम कहते हैं। मेरा मजमून भी परसों छपा है न्यू लाइंस इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, जो हमारी थिंक टैंक है, तो मैंने उसमें लिखा था पाकिस्तान नेवर एंडिंग रेजिम चेंजेस, तो वो उसमें भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये कोई ये जो सिचुएशन है जहाँ पे मतलब फिर से मैं कहूँगा फैक्शंस मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन, और फिर ये है कि जब एक एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा फेल हो तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि ये किसका कसूर है। फिर ये भी है कि जनरल फैज़ को जो हटाया गया, जो साबिक DGISI थे, और उनको फिर कोर कमांडर 11 लगाया गया, जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत रखना डाला बैठ के, जिसकी वजह से इमरान खान साहब और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान बहुत बड़ा खला आया। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये फौज के लिए बहुत भारी साबित हुआ,
लेकिन बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है, और ये चीज जो है हम वो एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो रिटायर्ड जर्नल हैं, जो टीवी पे आते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू में भी हम उसकी झलक मिलती है कि वो भी जो है बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ उनकी साइड पे जो है उनका झुकाव है। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ जर्नल जो हैं वो ये इमरान खान को मतलब प्रेफर करते हों और वो उनको जो है उनकी जानिब से कोई ना कोई इनकरेजमेंट मिल रही है। सॉरी गुफ्तगू लंबी हो गई, लेकिन ये ऐसा एक पेचीदा मसला है और ऐसा सेंसिटिव मसला है कि जिसके ऊपर मैं एहतियात से बात करना चाह रहा हूँ। मैं कोई गैर जिम्मेदाराना जुमला नहीं कहना चाह रहा, जिससे कि मतलब क्योंकि हम लोगों को एनालिसिस पेश कर रहे हैं और चूंकि हम रियल टाइम में पेश कर रहे हैं, तो हमें एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि हम कोई मिस इन्फॉर्म ना करें अपने सुनने और देखने वालों को। इमरान खान की जो हाइब्रिड हुकूमत है एक सतह पे फेल हो गई, और हाइब्रिड हुकूमत को लाने में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार था, ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमें ये इंडिकेशंस मिल रही हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग अभी भी चाह रहे हैं कि इमरान खान को रखा जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक ब्रॉडर फ़ायदा है पाकिस्तान का, उसको मलहूज़े ख़ातर नहीं रखा जा रहा, एक बात। दूसरी जो बड़ी अहम बात है कि इस सारे खेल तमाशे में पाकिस्तान के तल्लुकात कम से कम मगरबी दुनिया के साथ तो बहुत ही ख़राब कर दिए गए हैं। तो सवाल फिर एक ही पैदा होता है इन दोनों बातों से कि अगर हाइब्रिड रजीम फेल हो जाने के बावजूद वो रखना भी चाहते हैं खान साहब को, और उसके साथ साथ गैर ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक और बिलखसूस अमेरिका के साथ तल्लुकात भी ख़राब रखना चाहते हैं, तो इस सारे खेल तमाशे का फ़ायदा किसको है? तो इमरान खान साहब और उनकी जमात ने तो ये दिखा दिया है कि वो प्रोसेस को, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए या अपने आप को फिर से बरसर इकतदार लाने की कोशिश में, या अपने अपने पॉलिटिकल करियर को सैलवेज करने के लिए। वो वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अपने, हम उनको सियासी मफादात कह सकते हैं, अपने सियासी मफादात के लिए वो जो है ये क्राइसिस उनके लिए बहुत छोटी बात है। तो ये तो होगी उनकी बात, क्योंकि बड़ी नाजुक सिचुएशन है। अमेरिका का इस वक्त जो मुफाद है ना, वो दो अपना लेवल पे है पाकिस्तान के साथ। एक तो ये है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि कैसे वक्त में, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल आया है, ये पिछले कुछ एक महीने के अंदर ये जो जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उनका जो वो ग्राफ है वो गिरा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो है वो उनको यूज़ कर रही है, अपना रेवेन्यूज तो आ नहीं रहे तो आप फॉल बैक कर रहे हैं। ये चीज़ अमेरिका को पता है, ये देख रहा है अमेरिका। फिर आप IMF का जो प्रोग्राम था, वो चूंकि ये हुकूमत नहीं रही तो वो सस्पेंड तो उसको नहीं कहते हम IMF वाले, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो अनसर्टनिटी में चला गया। लेकिन आई डोंट थिंक कि अमेरिका कुछ एक तो कर भी सकता है, दूसरा ये कि अगर इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे तो पहले से इल्ज़ाम है कि भाई आप जो है यहाँ पर काम ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे इमरान खान साहब दावा कर चुके हैं, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों का, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों का जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, उनका इस चीज़ पे यकीन कर लेना, इस चीज़ को मतलब यहाँ तक के मतलब शीरी मजारी जो हैं, जो काबीना का हिस्सा हैं और पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं और एक मतलब बड़ी लिखी लिखी शख्सियत हैं, उनका इस चीज़ पे इसरार करना ट्विटर के ऊपर, और यानी इमरान खान साहब के टॉप एसोसिएट्स में से हैं, तो ये चीज़ जो है अब सिर्फ एक क्लेम नहीं है, ये एक अर्बन लेजेंड बन चुका है। तो ऐसे असना में अमेरिका और भी कंस्ट्रेंड है। जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, इल्ज़ाम तराशी जो जिसका निशाना अमेरिका की तरफ है, उस हवाले से रूस की फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मारिया ज़ाहारोफ ने कल ही कहा है कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान का दौरा रूस अमेरिका के लिए तकलीफ़ दे था। तो ये बयान क्या आप समझते हैं कि उनसे दिलवाया गया है,
या ये जो वहाँ पे सूरत हाल है पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस की, उसमें ये एक और चिंगारी के तौर पर काम आएगा? उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की जानिब से, ये वो खुद अज खुद करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनको जो चीज उनके पास आ रही है अमेरिका के खिलाफ, वो उसको बरूए कार लाएंगे। जो ईरान के साथ वो इस वक्त बड़े जबरदस्त बगलगीर हुए हुए हैं, और वो जो न्यूक्लियर इशू है, जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस चल रहे हैं नई न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका और ईरान के माबैन, उसको भी खराब करने में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो ईरान को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो जंग लड़ रहे हैं मगरब के खिलाफ। यूक्रेन के साथ तो है यूक्रेन, लेकिन वो यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत, यूक्रेन की जो बेशतर आबादी है, उसको मगरब का हिस्सा समझते हैं, अमेरिका का जो है हलीफ समझते हैं। तो अगर जो है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को तकलीफ देनी है, तो ये तो परफेक्ट नैरेटिव वजीर आजम ने दे दिया रशिया को। और याद रहे कि रशिया ने तो किया ही किया, ईरान का स्टेट मीडिया भी इस चीज को पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है। यहां तक ये बात की जा रही है कि फेक न्यूज चलाई जा रही है ईरान की जानिब से कि अमेरिका का जो कू CIA ने कू करने की कोशिश की, फेल हो गया। इस तरह के जो अपना बयानबाजी है और जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं उनके अपने मफादात के लिए। ईरान खुद के लिए कर रहा है, रूस अपने मफादात के लिए कर रहा है, और इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मामला आपको कहाँ तक अब जाता नज़र आता है? रूस यूक्रेन और ख़ास तौर पर रूस और वेस्ट की जो टेंशन है। जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, तो जाहिर है फिर जो है हम कोई सीज फायर नहीं देख पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें लेन देन जब होती है तो कंसेशंस देने पड़ते हैं। रूस जाहिर है उसका मतलब इस जंग में ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, तो वो इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा, उसकी कुछ मुतालबात होंगे। ऑलरेडी जैसे मैंने जिक्र किया, उनका बेशतर इलाका जो क्राइमिया से लेके दोनबास तक का है, वो उस पे रूस वहाँ से हटना नहीं चाहेगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर ये है कि अगर वो यहाँ से नहीं हटवा सकते फौजें, तो बाकी जगहों से फौजें हटवाना चाहेंगे। फिर ये है कि जो आखिरी जो मेजर जो अनाउंसमेंट आया था पिछले हफ्ते ही था या उससे पिछले हफ्ते था, कि हम जो है दोनबास पे अब फोकस करना चाह रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस को, कि वहाँ अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, तो वो भी सिलसिला चल रहा है। तो बहुत सारे जहाँ बातचीत चल रही है, जहाँ सौदेबाजी हो रही है, वहाँ पे जो है और मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी साइड को अपना मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त जो जो जानी और माली नुकसान हो रहा है और जो तबाही फिर रही है, ये दबाव डालने की कोशिश है। इसका मकसद जो है जाहिर है, जो बुचा में हुआ, जो इंसानी हकूक की बेरहमी से पामाली की गई, तो वो तो जाहिर है वो एक इंसानी हकूक के जाविये से देखें तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, और इस चीज़ को हमें टॉलरेट बहसियत आलमी बरादरी के नहीं करना चाहिए। तो अब उतने जो है वो मजीद जंग करके मजीद कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं ली जा सकती, लेकिन अब ये है कि अब वो कंपेलेंस की स्टेज पे आ चुका है कि आप टारगेटेड तरीके से बमबारी करें। जैसे अभी वो कल ही कोई वाकया हुआ कि दो बिल्डिंगों पे टारगेट किया गया, 200 लोग मारे गए, तो अब वो भी बात हो रही है कि ये जो है रियासती दहशतगर्दी है रूस की जानिब से, कि आप आपको पता है कि सिविलियंस हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, आप उसको जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब ये जो हम जिस फेज में हैं, इसमें जानी माली नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इंसानी हकूक की पामाली जो है हम कुछ वक्त तक के लिए अफसोस से कहना पड़ता है देखते रहेंगे, लेकिन ये वो जो डिप्लोमेसी के साथ इसका जो है लिंक बहुत गहरा है। बात ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे क्विकली कि जो इमरान खान साहब बेरहमी के साथ आइन की पामाली कर रहे हैं और परवेज़ इलाही की मदद से पंजाब में भी एक इंतहाई पॉलिटिकल क्राइसिस को क्रिएट कर रहे हैं, इसका मंतकी अंजाम आप कैसे एंटिसिपेट करते हैं? स्पीकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे, इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए, इसी ऐवान के अंदर से एक नया वजीर आजम मुंतखब हो, एक रीसेट की जरूरत है। तो ये मैं समझता हूँ, ये हम सब यही चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा ये कहना जरा मुश्किल है।
गो के जो है सुनने में आया है कि कल तक वर्डिक्ट आ जाएगा। वैसे तो हम डिलेज पे डिलेज भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कल जुमेरात की बजाय जुमे तक बात चली जाए, अगले हफ्ते खुदा ना खास्ता अगले हफ्ते तक चली जाए। जितनी देर ये सिलसिला चलता रहेगा ये हालात मजीद ख़राब होते रहेंगे। तो कोर्ट से जो है लोग अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील करूंगा कि वो इस मसले के ऊपर फैसला सुनाएं और सही फैसला सुनाएं, और जिन्होंने आईन को पामाल किया है उनके खिलाफ जो है फैसला लें, ताकि जो है इस मुल्क को जो तबाही के दहाने की तरफ यानी प्रेसिपस की तरफ जा रहा है उससे पीछे उस प्रोसेस को रोका जाए, और पूरी की पूरी कौम को जो है किसी सेफ्टी की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि अगर आईन की पामाली होगी तो फिर अफरा तफरी होगी, इकॉनमी ऑलरेडी जो है रॉक बॉटम हिट कर रही है और ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। उधर से अफगान तालिबान की हुकूमत की आने की वजह से पाकिस्तानी तालिबान के दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत तेजी आई है, और जो है मुल्क के अंदर जो है वो बहुत अफरा तफरी है। तो आई थिंक कि इस वक्त कोर्ट के सामने एक बहुत तारीखी फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब। व्यूज़, आज का स्ट्रेटजिक थिंकिंग का सिलसिला कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.